ओके कर लो अकाउंट, ठीक है आप उसके एग्जाम के सॉल्व कर लेते टॉपिक। हाँ खत्म, एग्जाम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 207 का आंसर डी डी आंसर, ठीक है राइट। अच्छा ये बताएं आंसर तो हो गया, मतलब बी इसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंस नहीं आएगा ना, सेव करके इंडिविजुअल का बैलेंस चेंज हो जाएगा लेकिन लेस का टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो मतलब एल ए का इफेक्ट क्या होगा और कहाँ होगा। आंसर तो हो गया इसका डी, अपने प्रैक्टिस के लिए ये पूछ रहा, एरर ए का इफेक्ट कहाँ पे होगा क्या होगा, अकाउंट पे या इंडिविजुअल पे। कंट्रोल अकाउंट पे होगा, कंट्रोल अकाउंट। टोटल गलत हो रहा है ना, टोटल का मतलब ओवरकास्ट या अंडरकास्ट। ओवर अंडरकास्ट का इफेक्ट कंट्रोल अकाउंट पे आता है, ठीक है। अच्छा बी एरर इन टोटलिंग रिसिप्ट इसका इफेक्ट कहाँ होगा, इसका कंट्रोल अकाउंट पे सेल्स लेजर पे इंडिविजुअल पे। इसका भी कंट्रोल अकाउंट पे होगा, टोटल में एरर आ रहा है, टोटल ये ऊपर वाली बात हो गई ना, टोटल गलत होने का मतलब ओवर या अंडर कॉस्ट, क्योंकि जो कोई भी डेबिट कॉस्ट है टोटल कहाँ लिखते हैं, कंट्रोल अकाउंट पे। टोटल में एरर आएगा, ओवर या अंडर कॉस्ट, कंट्रोल अकाउंट सी ठीक है। इफेक्ट तो ये कंट्रोल अकाउंट पे इफेक्ट होगा, लिस्ट के बैलेंस पे इंडिविजुअल पे कहाँ होगा, इसके इफेक्ट कंट्रोल अकाउंट पे आएगा, कंट्रोल अकाउंट पे होगा नहीं होगा, नहीं होगा। ये क्या लिखा है, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, इंडिविजुअल की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो नहीं होगा ठीक है। पर्सनल है, इंडिविजुअल है तो लिस्ट के बैलेंस। अच्छा तो फिलहाल आंसर इसका है डी, एरर डी की वजह से लिस्ट के बैलेंस में और कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। 208 क्रेडिट बैलेंस 250 ड्यू फ्रॉम के लिमिटेड वाज ट्रीटेड एज क्रेडिट बैलेंस एंड परचेज लेजर कलर लिस्टिंग। डेबिट बैलेंस को लिस्ट बनाते हुए आपने क्रेडिट कर दिया, तो करेक्शन क्या होगी, डबल से डेबिट करेंगे ना। अच्छा देखिए साइज चेंज हो रही है तो डबल हो जाएगा, पहली बात तो ये। 500 रुपए सी या डी में से ए भी तो नहीं हो, डी डी। अच्छा ये बात किसकी हो रही है, रिसीवेबल की पेबल की, पेबल की बात हो रही है ना। डेबिट बैलेंस ने क्रेडिट किया तो डबल से डेबिट करेंगे, तो पेबल्स डबल से डेबिट होंगे और डेबिट में इंक्रीज होंगे डिक्रीज, पेबल डेबिट का मतलब डिक्रीज डिक्रीज आंसर हो। पेबल की बात हो रही है, रिसीवेबल की पेबल, पेबल का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है, पेबल का बैलेंस क्रेडिट होता है ना। अब से क्या कि एक डेबिट बैलेंस था को लिस्ट बनाते हुए क्रेडिट किया, करेक्शन क्या होगी, डबल से डेबिट करेंगे, डबल से डेबिट यानी कि पेबल्स डबल से डेबिट, तो पेबल डेबिट में इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, इंक्रीज इंक्रीज होता है ना, पेबल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। अब यहाँ डबल से डेबिट करेंगे तो पेबल्स आपके क्या होंगे, डिक्रीज। आंसर डी होगा, रिड्यूस, यानी कि आपको माइनस करना। अगली समझ। अच्छा नाइन, ये बीआरएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर चुके हैं पहले साल। अब ये है टेन, टू टेन, टू टेन, ठीक अब इसमें पहला एक है परचेज है बुक अंडरकास्ट है और दूसरा एरर है सेल्स है बुक ओवरकास्ट, अच्छा ओवर अंडरकास्ट, तो इनका इफेक्ट कंट्रोल अकाउंट पे होगा या लिस्ट के बैलेंस पे रिसीव, कंट्रोल अकाउंट पे। तो ए आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी या डी में से आएगा। सी और डी में पहले स्टेटमेंट सेम है, तो आंसर है सी या डी।
सी या डी? डी डी हो जाएगा। अच्छा, डी डी हो जाएगा। हाँ और बाकी बताएं। डी 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 बोल डी बोल रहे हैं आप जो है डी। डी। तो करेक्ट आंसर इसका डी। सी नहीं डी आएगा। देखिए किस तरह सेल्स की बात कर लेते हैं पहले। सेल्स आपकी ओवरकास्ट, सेल्स इनकम होती है, सेल्स हमारी ओवरकास्ट हो गई, सेल्स को कम करेंगे। अच्छा सेल्स कम करने का मतलब इनकम कम हो गई, इनकम कम होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट भी कम होगा। इसकी लेकिन करेक्शन क्या होगी एरर सेल्स वाले की? सेल्स को आप डिक्रीज करेंगे, सेल्स हो जाएंगी डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और सेल्स डिक्रीज का मतलब इनकम डिक्रीज हो गई तो प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा। और सेकंड परचेज आपकी क्या है? अंडर कास्ट। परचेज को इंक्रीज करेंगे। अच्छा परचेज इंक्रीज होंगी तो परचेजेस के नेचर क्या है? डेबिट। डेबिट या एक्सपेंस कॉस्ट, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज होगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो प्रॉफिट डिक्रीज। इसके आंसर क्या होगा? डी। एक तो कैजुअल अकाउंट में एडजस्टमेंट करेंगे और सेकंड अपने प्रॉफिट को आप 1200 से डिक्रीज करें, क्योंकि 700 प्लस 5 1200 हो जाएगा। ये आपका बीआरएस का क्वेश्चन है, कर चुके हैं। जब ये 212, ये मैं करवा देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है नहीं बल्कि वो इंडिविजुअल वाले ही है। अच्छा पेट्रोल अकाउंट का इंडिविजुअल बैलेंस 1000 और इंडिविजुअल का टोटल जो है वो 850 है, 150 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसमें आपको रीजन बताना है। अच्छा देखिए जिस वजह से डिफरेंस आता है उसकी अगर करेक्शन कर लें तो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो वन बाय वन चार ऑप्शन की करेक्शन करते हैं। जिस ऑप्शन की करेक्शन पे दोनों बैलेंस सेम हो गए वही आंसर। अच्छा ऑप्शन ए की करेक्शन क्या होगी? इसको मैं बल्कि लिख कर करवा देता हूँ, लिख लेते हैं ऑप्शन ए। जब तक पढ़ें इससे बताएं करेक्शन क्या होगी, इसका इफेक्ट आएगा नहीं आएगा पहले तो ये बताएं। तो ए का इफेक्ट होगा नहीं होगा? नहीं आएगा। देखिए इसमें दो बार उसने रिकॉर्ड किया, रिसीवेबल लेजर में और कंट्रोल अकाउंट, दोनों जगह ट्वाइस रिकॉर्ड हो गया, तो इससे तो डिफरेंस नहीं आएगा ना कोई, तो इसको करेक्शन भी नहीं करते, छोड़ देते हैं। छब्बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल इन रिसीवेबल लेजर, इसकी वजह से डिफरेंस आएगा। ठीक है इसकी करेक्शन करके देखते हैं। देखिएगा आप कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 1000 हो जाएगा डेबिट, और बैलेंस एज पर लिस्ट या रिसीवेबल लेजर 850, और 850 डेबिट होगा ना? ठीक है रिसीवेबल का बैलेंस है डेबिट हो जाएगा। एरर ए का तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एरर बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर वॉज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल इन रिसीवेबल लेजर, तो रिकॉर्ड करते हैं। अब रिसिप्ट है, रिसिप्ट की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और ये कहाँ जाएगा? इंडिविजुअल में ना, यहाँ पे 150 से क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट का मतलब ये इसमें से माइनस हो जाएगा, बैलेंस कितना रह जाएगा? दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, आंसर नहीं हो। सी चेक करते हैं। अच्छा सी रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 150 वॉज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल इन कंट्रोल अकाउंट, इसको रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट है तो रिसिप्ट की एंट्री होती है कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, बैलेंस करते हैं, कैरी डाउन कितना आ गया? 850, दोनों बैलेंस सेम हो गए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा बाकी अपनी प्रैक्टिस के लिए ऑप्शन डी की भी करेक्शन करके देख लेते हैं। या रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 150 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कंट्रोल अकाउंट, नहीं आएगा? आएगा, यहाँ सिर्फ कंट्रोल अकाउंट की बात हो रही है, ए वाले में दोनों की बात हो रही थी ना, ये सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में ट्वाइस आपने रिकॉर्ड किया, यानी कि दो बार क्रेडिट कर दिया ना,
हाँ तो एक बार डेबिट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 1150, 1150, 1150, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। करेक्ट आंसर हुआ सी। सी ये हो गया आपका, क्या था डेबिट, सी में हमने क्या किया था, 150 क्रेडिट किए थे तो ये आ गया 1000, 1000 और कैरेट डाउन कितना आ गया, 850। ठीक है नेक्स्ट। अच्छा ये एरर का क्वेश्चन है, बाद में सॉल्व करेंगे। और ये आ जाए 214, 214। टू हंड्रेड फोर्टीन अच्छा पहले तो ये बताएं, इसका इफेक्ट कंट्रोल अकाउंट पे आएगा, लिस्ट पे आएगा, या दोनों पे? पहले तो ये बताएं इफेक्ट कहाँ जाएगा एरर का। दोनों दोनों पे क्यों आएगा? क्या लिखा था, टोटल ऑफ 2,59,440 टोटल हैज बिन क्रेडिटेड टू द पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर बता रहा है कि कंट्रोल अकाउंट में आपने गलत अमाउंट से पोस्टिंग की है, और है भी क्या, टोटल टोटल अमाउंट है और कंट्रोल अकाउंट दोनों मेंशन किए हैं उसने, तो इसका इफेक्ट सिर्फ कंट्रोल अकाउंट पे होगा, लिस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है तो अब करेक्शन क्या होगी इसकी, देखिए ओरिजिनल अमाउंट है 2,59,440, रिकॉर्ड हमने किया 2,54,940, एक्चुअल अमाउंट ज्यादा है, रिकॉर्ड कम से किया, तो डिफरेंस निकाल के और रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है डिफरेंस कितना आ रहा है, 4,500। और ये ट्रांजेक्शन क्या है आपकी, परचेज कर रहे हैं ना। ठीक है तो आप एंट्री क्या होगी, परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, तो अकाउंट्स पेबल को 4,500 से क्रेडिट करेंगे, कि ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट करना था, कम से क्रेडिट किया है तो डिफरेंस से मजीद क्रेडिट करेंगे। आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर इज ए। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए एनओ इश्यूड अ सप्लायर स्टेटमेंट टू बीएनओ शोइंग अ बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑफ 14,350। अच्छा बीएनओ रिकॉर्ड शो अ बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑफ 14,500। अच्छा देखिए जैसे ना बीआरएस में होता था, हम बनाते हैं अपना बैंक अकाउंट और बैंक से हमें मिलता है बैंक स्टेटमेंट, तो इसी तरह यहाँ भी होता है कि जो सप्लायर्स होता है ना, सप्लायर अपने कस्टमर को स्टेटमेंट सेंड करता है, एक बैंक स्टेटमेंट की तरह का एक स्टेटमेंट होता है जिसमें इसका ओपनिंग बैलेंस होगा, पूरे मंथ की ट्रांजेक्शन और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, और वो स्टेटमेंट भेजने की रीजन क्या होती है, सप्लायर स्टेटमेंट क्यों सेंड करता है, उसकी एक रीजन तो है कि एज अ रिमाइंडर, कस्टमर को रिमाइंड करवाना कि आपका इतना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, और सेकेंड जो है वो अपनी रिक्वेस्ट पर भी मंगवा सकता है, अपने रिकॉर्ड को चेक करने के लिए, रिकनसाइल करने के लिए सप्लायर से स्टेटमेंट मंगवा सकते। अब ये हमारे सप्लायर है, इसने हमें स्टेटमेंट साइन किया है, बैलेंस कितना आ रहा है एज पर स्टेटमेंट, 14,350, और इसके बीएनओ के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक बैलेंस है 14,500, 150 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है अब इसकी हमें रीजन बतानी है, तो वही करते हैं कि वन बाय वन की करेक्शन करेंगे, जहां पे दोनों बैलेंस सेम होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये पहले तो हम अकाउंट बना लेते हैं जिसमें बनेगा पेबल ना, अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट। ठीक है क्या बैलेंस कितना है एज पर कंट्रोल अकाउंट, 14,500 जी। हाँ बिल्कुल ऊपर कर दिया, और अब लिखते हैं हम बैलेंस एज पर स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट में बैलेंस कितना है? 14,350। अब करेक्शन करते हैं। ऑप्शन ए, सप्लायर साइंड एन इनवॉइस फॉर 150 बेच यू हैव नॉट येट रिसीव। सप्लायर ने हमें इनवॉइस साइन की, इनवॉइस कब साइन करता है सप्लायर? जब हम परचेज करते हैं, ठीक है। और सप्लाई इनवॉइस हमें रिसीव नहीं हुई तो हमने रिकॉर्ड भी नहीं की होगी, तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा करेक्ट ये, तो और ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। सप्लायर हैज अलाउड यू 150 कैश डिस्काउंट इफ यू हैड ओमिटेड टू एंटर इन योर लेजर। सप्लायर ने डिस्काउंट अलाउ किया, यानी कि हमारे लिए हो गया डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और अकाउंट पेबल डेबिट। तो अकाउंट पेबल डेबिट होगा। आप बैलेंस करते हैं, अब बैलेंस आ जाएगा ये ना, इसका कैरेट डाउन 13,000 क्या हो गया, 14,350। दोनों बैलेंस सेम हो गए, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। अच्छा, बाकी सी और डी भी चेक कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तब सी में लिखा, यू हैव पेड द सप्लायर 150 व्हिच ही हैज नॉट येट अकाउंटेड फॉर। हमने सप्लायर को पेमेंट की, उसने रिकॉर्ड नहीं की। अब सप्लायर जब रिकॉर्ड करेगा तो उसका बैलेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा ना। हमने सप्लायर को पेमेंट कर दी है और उसने रिकॉर्ड नहीं की, तो अपने पास क्या एंट्री बनाएगा? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इसका बैलेंस कम हो जाएगा ना, ये ऑलरेडी कम है और कम हो जाएगा। आंसर नहीं। यू हैव रिटर्न गुड्स बट 150 बेच सप्लायर हैज नॉट येट अकाउंटेड फॉर। हमने रिटर्न की, उसने रिकॉर्ड नहीं की। अब वो रिकॉर्ड करेगा तो उसका बैलेंस और कम हो जाएगा। डी भी आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर है बी, डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड नहीं किया हमने। 14,000 350, ठीक है। बैलेंस इक्वल हो। चलिए नेक्स्ट। टू वन सिक्स, अच्छा भाई 216, इसमें कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ही हुआ है, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, क्लोजिंग बैलेंस आपको फाइंड करना है, ठीक। तो इसमें सिंपल कंट्रोल अकाउंट बनेगा, कोई एरर नहीं है, ये आप लोग सॉल्व करें। हाँ अच्छा, 216। अब इसमें रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है 32,750। अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा 32,750, ठीक है। जिसके बाद है ड्यूरिंग में सेल्स है 125,000 की सेल्स, डेबिट। इसके बाद रिसीव फ्रॉम रिसीवेबल 122,500 क्रेडिट, एंड देयर वर कॉन्ट्रा विद पेबल 550, कॉन्ट्रा क्रेडिट होगा। जिसके बाद है रिफंड्स ऑफ 1300 वर मेड टू कस्टमर, कैश रिफंड कर रहे हैं। इसकी एंट्री होती है कैश क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 1300, 1300, ठीक है। तो रिसीवेबल्स डेबिट हो रहे हैं 1300 डेबिट, तो यहाँ लिख भी लेते हैं रिफंड, रिफंड्स डेबिट करेंगे। अब अकाउंट क्लोज करते हैं तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे 46,550, क्रेडिट साइड माइनस करें, गड़बड़ कर, सेल्स गलत लिख, हाँ 25,000 नेट कर दिया, हाँ 15,950। अब क्रेडिट साइड माइनस करें,
क्रेडिट साइड माइनस करें 36,000 आ जाएगा। आंसर होगा सी, ऑप्शन सी करेक्ट। साइड ठीक, क्लियर। ओके, डिफाइंड है। क्या ये लिखा ना, मैंने एंट्री देखे ना, रिफंड करने तो कैश ट्राइड होगा, अकाउंट रिसीवेबल डेट, पर कल मैंने वो रीजन लिखवाई थी ना, याद है? बस एक रीजन। अच्छा, 217 एरर का क्वेश्चन है, ये कर चुके हैं, 218 भी कर चुके हैं। तो ये 219 ये आपका एरर्स अफेक्टिंग, ये बाद में सॉल्व करेंगे। ये 12 बैलेंस, ये भी एरर अफेक्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 240, बैलेंस ऑन रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट वॉज 1586। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट सेल्स डे बुक फॉर द पीरियड हैड बीन अंडरकास्ट बाय 100 एंड कैश रिसिप्ट हैड बीन ओवरकास्ट बाय 100। कौन बनाते हैं कंट्रोल अकाउंट? रिसीवेबल बैलेंस कितना है? 1586। पहले इट वाज डिस्कवर्ड द सेल्स डे बुक हैड बीन अंडरकास्ट, तो सेल्स को इंक्रीज करेंगे, सेल्स होंगी क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गए। नेक्स्ट है कैश रिसिप्ट हैड बीन ओवरकास्ट, कैश रिसिप्ट ओवरकास्ट है तो कैश को डिक्रीज करेंगे, कैश हो जाएगा क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, 100 डेबिट हो जाएंगे। टोटल होगा 1786 और ये कैरी डाउन 1786। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। के 241 इसमें 241 ये दिया हुआ पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, बनाते अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट बनेगा। तो बैलेंस कितना गिवन है? 3,446, 3,446। पहला पॉइंट, इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट टोटल फॉर फ्रॉम द कैश बुक पेमेंट ड्यूरिंग द पीरियड हैड बीन पोस्टेड एज 14,576 इंस्टेड ऑफ 14,756। अच्छा, पेमेंट हमने ज्यादा की है, पेमेंट ज्यादा की है, रिकॉर्ड कम से किया है ना, ठीक है, इसका डिफरेंस निकालें 180। अब डिफरेंस के अमाउंट से मजीद पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो पेमेंट की एंट्री होती है अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा 180। नेक्स्ट, इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट कॉन्ट्रा विद रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट
हैड नॉट बीन पोस्टेड एट ऑल, पोस्ट करते हैं तो 392 डेबिट होगा, बैलेंस कर लेते हैं 3446, 3446 माइनस करें डेबिट साइड 2874, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो बैलेंस किसका दिया, लिस्ट का ना, ठीक है तो लिख लेते हैं 244, लिखते हैं बैलेंस एज पर रिसीवेबल लेजर ना 50,000, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस से मैच नहीं हो रहा है। अच्छा अब एरर वन क्या है, बैंक क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसीवेबल लेजर, रिकॉर्ड करते हैं तो एंट्री होगी कैश बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट मींस माइनस करेंगे। सेकंड कॉन्ट्रा ऑफ 2000 वाज एंटर्ड इन कंट्रोल अकाउंट बट नॉट इन द रिसीवेबल एंड पेबल, रिकॉर्ड करते हैं इसकी एंट्री होगी अकाउंट्स पेबल डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, रिसीवेबल क्रेडिट का मतलब माइनस। एडजस्टेड बैलेंस आ जाए 47,250, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अच्छा द नेक्स्ट 245, अकाउंट बनाते किसमें, आप रिसीवेबल का बैलेंस आपको दिया 8,450, यहाँ लिखते हैं अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, इसका बैलेंस है 8,000, 8,450, ट्रांजेक्शन है क्रेडिट सेल्स 19,600, डेबिट चेक्स रिसीव फ्रॉम रिसीवेबल्स क्रेडिट 22,430, सेल्स रिटर्न 1,000 क्रेडिट, और कॉन्ट्रा विद क्रेडिट सप्लायर 540, ये भी क्रेडिट। टोटल करते हैं डेबिट साइड का 28,050, क्रेडिट साइड माइनस करें 4,080, ऑप्शन ए ठीक, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ए हो गया, नेक्स्ट कटिंग ले लें जी, अभी कर लें टॉपिक 246, बैलेंस कितना है ओपनिंग 500, और इसके बाद लिखा है कि रोज टू 700 ना, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 700। अच्छा भाई ड्यूरिंग द मंथ ये शूट कैश सेल्स रिसिप्ट ऑफ 280, कैश सेल्स डेबिट क्रेडिट, हाँ तो कैश सेल्स नहीं आएंगी इसमें, ये आएंगी नहीं, कैश सेल्स है कैश सेल्स रिसीवेबल में नहीं आती ना, इसके बाद क्रेडिट सेल्स है, हाँ क्रेडिट सेल्स डेबिट होंगी 1900, और क्रेडिट नोट्स का मतलब क्रेडिट नोट का भी इश्यू होता है, सेल्स रिटर्न होती है, ये सेल्स रिटर्न है 170 क्रेडिट,
फाइन क्या करना है हमें, कैश रिसिप्ट ना, कैश रिसिप्ट की एंट्री होती है कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे 2400 से क्रेडिट साइड माइनस करें 3, कितना आ रहा है 18, ठीक है 15 300, तो करेक्ट आंसर इज बी। टू 47, हु शुड नॉट प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट का पर्पस क्या होता है, एक तो हम बैलेंस फाइंड कर लेते हैं इजीली, और सेकंड एक्यूरेसी चेक करना, लेजर्स की डे बुक्स की एक्यूरेसी चेक करना ना। तो कंट्रोल अकाउंट क्या है, किससे नहीं बनवाना चाहिए। सी, अच्छा, और बी आंसर है बी। पेबल कंट्रोल अकाउंट किस लिए बना रहे हैं, परचेज डेबो परचेज लेजर की एक्यूरेसी चेक करने के लिए। अब जो एम्प्लॉय परचेज डेबो परचेज लेजर बनाएगा, और अगर उसने डे बुक बनाते हुए कोई एरर या फ्रॉड किया, तो क्या कंट्रोल अकाउंट बनाते हुए उसको आइडेंटिफाई करेगा, नहीं, उसमें भी कोई आगे पीछे करके उसको बैलेंस कर देगा, ताकि उसका फ्रॉड एरर ना पता चले, पकड़ा ना चले, ठीक है। इसलिए जो एम्प्लॉय डे बुक या लेजर बनाएगा, उससे फिर कंट्रोल अकाउंट नहीं बनवाएंगे, किसी और से बनवाएंगे, ताकि वो उसके एरर या फ्रॉड को पकड़ सके, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय डे बुक बनाएगा, उससे उसी का कंट्रोल अकाउंट नहीं बनवाएंगे, सर जो बाद में चेक कर रहा हूँ वो वो फिर अलग बात है, वो अलग बात है, ठीक है। तो हाँ इसका आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, फिर यहाँ पे रिसीवेबल होता, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट पर आंसर क्या होता, फिर सी हो जाता। अभी याद रखें, जो एम्प्लॉय डे बुक बनाएगा, उससे कंट्रोल अकाउंट नहीं बन पाएगा, तो फिलहाल आंसर है बी। अभी 248, इसमें भी वही है, नॉट अ पर्पस ऑफ कंट्रोल अकाउंट, नॉट अ पर्पस। सर बी आंसर है कि अवॉइड प्रिपरेशन ऑफ रिसीवेबल अकाउंट। ये कह रहे कि अगर आप कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, तो फिर आपको इंडिविजुअल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना। इंडिविजुअल तो बनते ही बनते हैं, ताकि हमें इंडिविजुअल का बैलेंस पता चले, और कंट्रोल बनाते ताकि टोटल पता चले। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंट्रोल अकाउंट बनाएं तो आप इंडिविजुअल अकाउंट ना बनाएं। तो आंसर क्या होगा, बी। ये बीआरएस का क्वेश्चन है, बीआरएस स्टेटमेंट कैश फ्लो। ये क्वेश्चन किया था मैं पहले, 269। यार अच्छा,